आज ना वीकेंड था, तो वीकेंड में कुछ तो स्पेशल बनना बनता है। तो आज का मैंने मेन्यू डिसाइड किया था, मटर मशरूम विद नान। आप तंदूरी भी बना सकते हैं, लेकिन आज सबने बोला कि आज तो नान खाएंगे, तो बस नान का आटा सबसे पहले हम लगा के रखेंगे। तो मैंने मैदा ले लिया है, साथ में हम थोड़ा सा दही लेंगे, बेकिंग पाउडर, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा घी आप ले लीजिए, या फिर थोड़ा सा आप तेल भी ले सकते हैं। बस सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लीजिए, और इसका हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। इसका डो लगाने के लिए ना आप थोड़ा सा गुनगुना पानी का यूज़ करेंगे ना तो अच्छा रहेगा आटे के लिए, क्योंकि उसके बाद जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। और इसका जब आप आटा गूँथें ना, इस तरीके से थोड़ा सा पटक पटक के गूँथेंगे ना, तो जो ग्लूटेन है ना मैदे में, वो अच्छे से फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण आपकी जो नान है वो बहुत अच्छी बनेगी। बस एक एयरटाइट डब्बे में हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब क्योंकि हम मटर मशरूम बनाने वाले हैं, ये एक मशरूम का पैकेट है जो कि 2-3 दिन पहले आया था, तो चलिए अब इसे क्लीन कर लेते हैं। तो सूखे आटे की हेल्प से मैं इसे क्लीन करूँगी। देखिए, मैंने सूखा आटा लिया है, उससे मैं सारे ही मशरूम्स को इस तरीके से रब करके ऊपर जितनी भी डस्ट होगी वो निकाल लूँगी। ये बिल्कुल सही मेथड है मशरूम को क्लीन करने का। इवन कई लोग तो इस तरीके से मशरूम क्लीन करने के बाद पानी से नहीं धुलते, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं पानी से ज़रूर धुलती हूँ, एक या दो बार ही धुल लेती हूँ। चलिए, मशरूम मैंने धुल लिए हैं, अब इसे हम कट कर लेते हैं। मैं बताऊँ क्यों लोग मना करते हैं कि पानी से नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि फिर ना मशरूम पानी पी लेते हैं। खैर, हमें तो मटर मशरूम बनाना है, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मशरूम मैंने कट कर लिए हैं, अब ग्रेवी के लिए कुछ तैयारी चाहिए, तो प्याज टमाटर अदरक लहसुन चॉप कर लीजिएगा। और मैं ना क्या कर रही हूँ, हम सैलेड बनाते हैं ना तो हमें गोल गोल चाहिए होती प्याज, और कुछ ना कुछ छोटी मोटी बची जाती, तो सबसे पहले मैं ना सैलेड कट करती हूँ, और जितना भी बचा हुआ होता है ना, फिर वो ग्रेवी में यूज़ कर लेती हूँ। इसके कारण आपकी प्याज भी वेस्ट नहीं जाती। पीस नहीं रही हूँ प्याज को, क्योंकि मुझे ना हल्का दरदरा चाहिए, थोड़ा सा पानी डाल के फिर आप चॉप कीजिए, बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। बस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है, सरसों का तेल लिया है, इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं। बस थोड़े से अपने स्वाद अनुसार गर्म मसाले खड़े वाले डाल दीजिए, और फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज अदरक लहसुन का सॉर्ट ऑफ पेस्ट। और अभी तेल में ही हम ना कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, ताकि कलर हमारी ग्रेवी का बहुत ही अच्छा आए। चलिए, यहाँ पर हमारी ग्रेवी पक रही है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर टमाटर भी चॉप कर लिए हैं वही चॉपर में, और जब प्याज हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे अपने टमाटर। चलिए, टमाटर को भुनने देते हैं, पकने देते हैं, तब तक हम एक मसाला रेडी करते हैं। तो एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, धनिया, कसूरी मेथी, किचन किंग मसाला, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा काला नमक डाला है, थोड़े सी काले मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, और बस ये मिक्सचर हम रेडी कर लेंगे। ये मिक्सचर हम डालेंगे अपने मटर मशरूम की ग्रेवी में, जिससे कि उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे और उसे कंटिन्यूसली चलाएंगे, ताकि दही आपका फटे ना। कौन आ गया? अब बस इसी स्टेज में इसमें हम डाल देंगे मशरूम, क्योंकि मशरूम को पकने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो बस गैस को धीमी कर दीजिए, ताकि ये जले ना, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और ढककर हम रख देंगे। क्योंकि हम मटर मशरूम बना रहे हैं, तो मैंने थोड़ी सी मटर भी डाल दी थी, दिखाना भूल गई आप सभी को। ये देखिए कितनी रिच लग रही है आपकी सब्जी, चाहे तो उसमें थोड़ी सी मलाई ऊपर से और डाल सकते हैं। फाइनली ऊपर से डाल दीजिए बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती, और ये आपकी मटर मशरूम बनके बिल्कुल रेडी है, किसी भी रेस्टोरेंट को फेल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैंने एक क्विक सैलेड भी रेडी कर लिया, तो बस प्याज में थोड़ी सी लाल मिर्च, काला नमक और नींबू डाल के मिक्स कर लिया है। ये सैलेड किसी भी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस नान बना लेते हैं, तो छोटे छोटे पेड़े तोड़ लिए हैं, थोड़े से मैं कलौंजी सीड्स का यूज़ कर रही हूँ, और फिर इस तरीके से हम बेलेंगे, थोड़ा पतला बेलेंगे, मुझे ना पतली नान, पतली और करारी नान अच्छी लगती है। अब एक साइड में हम पानी लगाएंगे और तवे में हम डाल देंगे, गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है, तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। जिस साइड पानी लगाया है
उस साइड से हम तवे पर रखेंगे ताकि आपकी नान तवे में अच्छी तरीके से चिपक जाए। और बस जब आपको लगे कि हाँ आटा बिल्कुल सूख गया है, अब गीला नहीं है, तो बस इसे इस तरीके से पलट करके हम सेक लेंगे अपनी नान को गैस के ऊपर। यमी यमी मटर मशरूम सैलेड विद नान, ऊपर से बटर और घी इस तरीके से ब्रश कीजिए और एंजॉय कीजिए। देखिए कितनी बढ़िया नान बनी है, अच्छी क्रिस्पी एंड करारी बनी है और कॉम्बिनेशन तो भाई हेवनली है, बहुत टेस्टी। ज़रूर ट्राई करें अपने घर में एक बारी। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, आप भी एंजॉय करें।